आपका जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी है, क्लास 10th के लिए है। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो आप अभी हम आपको इंट्रो पार्ट करा रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल क्लियर आपको होगा तो पूरे ही एक्सरसाइज में क्या चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका तीनों बोर्ड में, सीबीएसई, यूपी बोर्ड एंड आईसीएसई, इनमें भी कॉमन है आपका एपी। और जो 11th क्लास है, यूपी बोर्ड है, या तीनों बोर्ड के लिए आईएससी, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, इन सब में ये कॉमन पार्ट है ये, ठीक है। एपी का जो चैप्टर है 10th में भी है, तीनों बोर्ड में, और 11th में भी तीनों बोर्ड में है। तो बेस आपका जो होगा वो सब सेम होगा। अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में इसके क्या बताया हमने, एपी हम इसे बोल देते हैं। ये होती क्या है? अब जैसे यहाँ पे दो सीरीज हमने आपको दी हुई है, 2, 4, 8, 16 एंड 2, 5/2, 3 एंड 7/2। अब पहले तो हमें ये देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, एपी है या नहीं है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज आती है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, अगर एपी है या कोई भी सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, आपसे, ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो अगर यहां पे बात करें तो ये हो गया आपका ए, कितना हो गया, 2, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाई ए से डिनोट किया जाता है। और यहां पे भी ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एपी आपको, सॉरी, सीरीज भी मेरा ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो इसको हम A1 बोल देंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे। तो ये टर्म हो जाएगी A1, ये हो जाएगा A2, ये होगा आपका A3, A4 एंड सो ऑन। सेम थिंग यहाँ पे है, ये चीज आपकी क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है एंड सो ऑन, इस तरह से ये आपका चलता चला जाएगा। आप देखिए दूसरी चीज इसमें क्या आती है, एपी लगाने के लिए कि एपी है या नहीं है। फर्स्ट टर्म हमने ए बता दिया आपको, इसके बाद में एक हमें डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। क्या निकालना है आपको, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 2, 4 हो गया, 4, 8 हो गया, इसमें देखें 2, 5/2, 5/2 एंड 3, ये आपका क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई। और इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक, और डिनोटेड बाई डी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डी से। कॉमन डिफरेंस है तो डी से हम इसे डिनोट करेंगे। अब देखिए ये सीरीज है, इसमें पता लगाना है कि यहाँ पे एपी है या नहीं है, और यही यहाँ पे कि एपी है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप A1 - A2 फाइंड करेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, D1। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करा, ठीक है, D=2 क्या था, A2 - A1। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 - A1 से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, D1। देखते हैं कि क्या आता है, A2 कितना है, 4 एंड A1 कितना है, 2। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं D1 की, तो D1 कितना आता है आपका, 2 आता है। इसी तरह से आप D2 फाइंड करिए, तो जब D2 करेंगे तो क्या होगा, 8 - 4 मीन्स A3 - A2। क्या करेंगे हम, A3 - A2 ये करेंगे। अब जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे A3 कितना है, 8 एंड -4। तो अगर D2 की बात करते हैं तो ये कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक। अब जरा इसको कंपेयर कीजिए कि D1 एंड D2 इक्वल हैं, तो क्या है, नहीं है, तो हम लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट एपी हो जाएगा। क्या होगा कि एपी नहीं है, ठीक, ध्यान से।
क्या करा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हमने डिफरेंस फाइंड करा, कितना आया ए टू माइनस ए वन से टू आया, और ए थ्री माइनस ए टू किया तो कितना आया फोर आया, विच इज नॉट इक्वल तो डी वन नॉट इक्वल टू डी टू, देयर फोर गिवन सीरीज इज नॉट अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब देखते हैं यहां पे अगर हम डी वन की बात करें तो होगा फाइव बाई टू माइनस टू, फाइव बाई टू माइनस टू, ये ए टू है और ये ए वन है, तो ए टू माइनस ए वन हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं डी टू फाइंड करते हैं, तो डी टू में क्या होगा आपका थ्री माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, ये हुआ ए टू माइनस ए वन और ये हुआ ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है। अब टू थ्री या सिक्स और सिक्स में से फाइव माइनस करा तो यहाँ पे कितना आया वन बाई टू आ गया। अब देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है आपको कि डी वन इक्वल टू डी टू, यस इट इज एपी गिवन सीरीज फॉर्म अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला हमारा ये था कि हमें जो सीरीज गिवन है वो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो वो हमने कैसे पता लगाया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का हमने डिफरेंस हमने फाइंड किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है तब वो एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट एपी, ठीक। अब इसकी हम बात करते हैं कि जैसे ये वाला आपका एक क्वेश्चन आया कि जिसमें यहां पे आपको एपी था, ठीक। अब ये आपकी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये क्या है आपकी फोर्थ टर्म है, इस तरह से आपको गिवन है ये, ठीक है। तो जो हमारी एपी होती है अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एपी में क्या होगा, यहां पे सबसे पहले आपका डी का फार्मूला आ गया कि ए टू माइनस क्या होगा ए वन होगा, ठीक है। उसके बाद में ये नंबर वन पे है, नंबर टू में आप देखिए कि क्या होगा कि अगर ये हमारे टर्म ए है, ठीक है, और तो ये कितना होगा ए प्लस डी होगा, तो एपी हमारी इस तरह से अगर ए है तो सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगी हमारी ए प्लस टू डी, एंड फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। ये आपको सेकेंडली लर्न कर लेना है कि पहले क्या था डी है और फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकेंड टर्म क्या होगी ए प्लस डी, फिर क्या होगा ए प्लस टू डी, फिर क्या होगा ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। अब बात आती है कि एक जनरल टर्म होती है, जैसे हमने आपसे अगर कहें कि ये जो एपी गिवन है इसकी आप 20th टर्म फाइंड करो, क्या फाइंड करेंगे आप 20th टर्म फाइंड करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल टर्म। फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग से, मतलब ये फर्स्ट टर्म हमारी टू है और करते करते हम कहां पे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कहां पे 20th टर्म पे, तो वहां पे जो फार्मूला होगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे an से, तो ये होगा आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए a हो गया a प्लस डी था, तो ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या है n माइनस वन, मतलब ये सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे क्या आया आपका d आया। अगर थर्ड टर्म होती तो यहाँ पे क्या आता n थ्री माइनस वन, तो टू हो जाता टू डी होता, तो ये हमारी जनरल टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग। अब अगर मान लीजिए हम इस एपी की 20th टर्म हमने कहा फाइंड करो, कौन सी फाइंड करनी है आपको ए 20 फाइंड करनी है, तो सबसे पहले देखिए डेटा बनाइए कि ए इक्वल टू कितना दिया है टू और d आपका कितना आया था 1/2। अब यहाँ पे आप फार्मूला लिख दीजिए क्या हुआ an कितना है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब ध्यान से देखिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो a कितना है आपका 2 प्लस n कितना रखेंगे हम 20, 20th टर्म आपसे पूछा है और ये आपने ये रख दिया, और इंटू डी तो d कितना है आपका 1/2 है। अब देखिए ये होगा 2 प्लस
19 बाई 2, ओके, इसमें से इसे माइनस करा 19 और अपॉन 2 आ गया, 2 जा 4, 4 को 19 में आप ऐड कर दीजिए, तो आपकी जो 20th टर्म है वो आ जाएगी 23 बाई 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको बिगिनिंग से अगर क्या निकालनी है, आपको nth टर्म निकालनी है, तो फार्मूला आपका क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फार्मूला आ जाता है एपी का, ठीक। इसके बाद में देखिए, एक ये तो हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग से है, ये कहां से है, स्टार्टिंग से। अगर लास्ट से आपसे पूछा गया है फ्रॉम द एंड, कि एंड से इसकी nth टर्म या 20th टर्म कितनी होगी, तो वहां पे देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर हम लेते हैं जनरल टर्म, फ्रॉम एंड, ठीक है, तो वहां पे भी an ले लेते हैं, तो यहां पे हमने क्या लिखा है, l लिखा हुआ है, l का मीन्स है लास्ट टर्म, a का मीन्स क्या है फर्स्ट टर्म, और l का मीन्स क्या है लास्ट टर्म, यहां पे माइनस हो जाएगा और n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट हुआ, ये किसके लिए हुआ, आपका टर्म्स फाइंड करने के लिए हुआ, कि जैसे आपने सबसे पहले क्या करा, a आपने देखा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, d फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे an फाइंड करेंगे, ये कहां से है, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड जनरल टर्म फ्रॉम एंड। बिगिनिंग वाले में यहाँ पे प्लस है और एंड वाले में यहाँ पे माइनस है, बिगनिंग वाले में यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और एंड वाले में यहाँ पे कौन सी आएगी, लास्ट टर्म आएगी, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30, और आपसे यहाँ पे दिया हुआ है S10, S10 का मीन होता है सम ऑफ 10 टर्म्स। अब यहाँ पे आपको सम फाइंड करना है, यहाँ पे क्या था, जैसे ए एन था, तो ए एन मीन होता है कि आपको 10th टर्म फाइंड करनी है, एस एन का मतलब हुआ कि जैसे हमने कहा कि एस एन फाइंड करिए, तो एस एन का मीन होता है कि सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, ये एन nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है और ये सम फाइंड करने का फार्मूला होगा, ठीक है। डेटा सब सेम रहेगा, यहां पे अगर हम ए की बात करें तो ए हो जाएगा आपका कितना, 34, ठीक, और डी की बात करें तो डी होगा आपका 32 माइनस 34, देन डी इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे माइनस 2 हो गया, और एन जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इन्होंने बोला है कि एस 10 फाइंड करिए, ध्यान से देखिएगा, पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, तो इसका फार्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक आपको फार्मूला दिया है। अब जरा इन फार्मूलों को आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, तो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स आपको यहाँ पे हैं, जिसमें से 3 गिवन होंगी और 1 टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सेम थिंग यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वांटिटी है और 4 क्वांटिटी में से 3 गिवन होंगी और एक आपको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं Sn, तो Sn इक्वल टू हुआ n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब देखिए यहाँ पे n की जगह हमने 10 रखा, तो यहाँ पे 10 बाई 2 हो गया, 2a, 2 इंटू a, a की जगह कितना आया, 34, प्लस यहाँ पे रखा आपने 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह माइनस 2, ठीक है। जब भी माइनस में आ जाएगा तो हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, डायरेक्ट ऐसे मत लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 5, 34 एंड 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, प्लस ध्यान से देखिएगा, ये हुआ आपका 9 और 9 2 जा क्या हो गया, 18, तो ये हुआ माइनस 18, ओके। ये हुआ 68, ये हुआ 9 और 9 2 जा क्या हो गया, माइनस 18, ये प्लस है और ये माइनस है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, ये कितना हुआ 0, और यहाँ पे कितना आया आपका 5 आ गया, 68 में से 18 माइनस करा तो 58 आ गया,
इसको आप इनटू कर दीजिए तो यहां पे कितना आ जाएगा 250। तो ये आपका क्या आ गया, सम आ गया। ठीक, तो एक तो फार्मूला ये है कि आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सॉरी एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यहां से हम निकाल देंगे। दूसरा फार्मूला देखिए इसका क्या होता है। एक फार्मूला होता है अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, ये ए हो गया, लास्ट टर्म गिवन है कितना हो गया, ए एन हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्या हुआ ए प्लस ए एन, क्या करा आपने, ए और प्लस ए एन, ये आपने कर दिया, और इनटू यहां पे क्या हो जाएगा आपका एन बाई टू, क्या हुआ आपका एन बाई टू ए प्लस ए एन। एक फार्मूला ये है, ए एन का मतलब यहां पे यह है कि आपको इन्होंने लास्ट टर्म दे दी, यहां पे इन्होंने फर्स्ट टर्म दे दी, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे, ठीक है। और एक टर्म फार्मूला आपका ये होता है कि केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, तो ये हो जाएगा एन बाई टू, ये हो गया ए और प्लस हो गया ये एन। देखिए दोनों फार्मूले ये लगभग सेम है, ये यहाँ पे है ए एन दे दिया, यहाँ पे ए एल है, तो जो भी एपी दी हुई है तो वहां पे ये लास्ट टर्म हो गया, और ए एन जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा 20th टर्म 25th टर्म है, तो यहाँ पे आप 25th टर्म को आप लगा दोगे। एपी गिवन है आपसे कहा कि 25 टर्म्स का सम बताओ, तो आप इसमें क्या करोगे, ये वाला लगा दोगे। एपी गिवन है, लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो सम फाइंड करने के लिए आपके पास में थ्री फार्मूले हैं, एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इन टू डी, ए प्लस ए एन एन बाई टू एंड एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये हो गया सम के लिए, और ये हो गया आपके किसके लिए, ये हो गया आपके nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो ये इंट्रो पार्ट में केवल इतना ही है, इसको आप ठीक से रीड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वहां से हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।